भारत में बढ़ती हुई गर्मी से मनुष्य ही नहीं जानवर भी बेहाल हैं। गर्मियों में यहाँ उत्तरी भारत में टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच गया है। आदमी तो आदमी, जानवर भी इस गर्मी से परेशान हो गए हैं। इसीलिए भारत के चिड़ियाघरों में भी जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। कहीं पर पानी का छिड़काव कर जानवरों को गर्मी से राहत दी जा रही है, तो कहीं पंखे और कूलर लगाकर जानवरों को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। इंडिया एक्सक्लूसिव न्यूज़ चैनल पर आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़ के जू और राजस्थान के चिड़ियाघर में, जहां पर दिखाते हैं आपको कि जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए क्या क्या तरीके आजमाए जा रहे हैं। मैं करवा लूंगा, टेंशन मत, मैं करा दूंगा। वो आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो आवाज़ आ रही है, ठीक है, आगे निकलने में आओ। क्या ला हाँ, बोल बोल, तू सुन रहा हूँ। यस बाहर निकाल दे, क्या क्या ले पप्पू देगी ठीक है।
आप सुबह ना लो, शाम को ना लो।
पानी आ रहा है। सुनो व्हाट्सएप आगे जवान बराबर ढूंढ रहे। आओ बात करो माता सफारी बोलो जैसी भी सर क्या आपका नाम है और आप किस तरीके से जानवरों को सुविधाएं दे रहे हैं प्रचंड घरेलू में? मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिंह तंवर, सीनियर वेटरनरी ऑफिसर माचिया जूलॉजिकल बायोलॉजिकल पार्क। और हम अभी इस गर्मी में पानी का छिड़काव दोनों टाइम करते हैं, इनके क्राल में, इनके जो बाहर केज है उसमें दोनों टाइम पानी का छिड़काव करते हैं। और कूलर आप जैसे देख रहे हैं, कूलर और पंखे लगा रखे हैं, तो कूलर पंखे से काफ़ी 5-7 डिग्री का टेम्परेचर का काफ़ी हम डाउन कर लेते हैं। 45-46 दो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और एक बहुत अच्छी बात है इस माचिया बायोलॉजिकल पार्क में कि यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर वैसे भी 2-3 डिग्री कम रहता है जोधपुर से। पानी का छिड़काव करते हैं उसको जी मिलाते हैं ताकि पीने के पानी में ग्लूकोज नहीं, छिड़काव वाले पानी में कुछ नहीं मिला जाता, लेकिन जो पीने का पानी है वो एकदम इनके एडलिब रहता है। एडलिब का मतलब है कि जितना पीना चाहिए इनके सामने रहता है, और बिल्कुल फ्रेश वाटर देते हैं इनको, और उस फ्रेश वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स ORS का घोल डालते हैं। लू के समय जब लू चलती है, गर्मी ज़्यादा होती है, उस वक्त इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल्स कम हो जाते हैं, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल करके फिर इनको पिलाते हैं। और किस तरीके से सार सामान की इनकी आवश्यकता होती है सर, ताकि ये आप इनको और ज़्यादा अच्छे से सुविधा दे सकें? सार ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल माहौल यही है कि हम गर्मी से अगर कंसर्न देखें तो गर्मी के लिए ये उपाय काफ़ी हैं। फिर हम टाटियाँ भी लगा देते हैं साइड में, उन टाटियों को भी गीला कर देते हैं। कई एनिमल थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, कोई एनिमल जैसे ये हिमालयन भालू है, ये थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा है, तो उसको सुबह के टाइम या शाम के टाइम एक बार गीला कर देते हैं, तो उसको बेदिंग करवा देते हैं, उसको नहला देते हैं। वैसे इसके लिए पूल भी बना हुआ है, ये इनके एडिशनल इनके पास में एक सुविधा भी है कि पूल के अंदर जाके नहा लेते हैं भालू, तो टेम्परेचर पूल में नहाने से भी टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। गर्मी में खाने की जो व्यवस्था है जी, सर्दी में और गर्मी में कितने के चेंज होते हैं? गर्मी में इंसान को भी खाना बिल्कुल, गर्मी में थोड़ा कम खाते हैं, धीमे धीमे खाते हैं, इनकी खासियत ये है कि एक साथ ये नहीं खाते हैं। सर्दियों में तो एक बार जितना आप जैसे लायन है, टाइगर है, पैंथर है, इनको जैसा भी हमने मीट दिया तो वो मीट बहुत जल्दी कंज्यूम कर जाते हैं, लेकिन गर्मी में ये धीमे खाते हैं। कई बार एक फेज़ के लिए छोड़ देते हैं, जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है ये खाने लग जाते हैं। और यदि अगर ऐसा लगता है कि आज इसने नहीं खाया, तो हम थोड़ा स्पेशल उसको इन कैमरा रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रोल्स की कमी हुई होगी, तो दोबारा उसको इलेक्ट्रोल पाउडर दे करके बिल्कुल हम उसको प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। इन केस यदि अगर वो ट्रीटमेंट मतलब अगर प्रोफाइलेक्टिकली ठीक नहीं होता है, तो फिर हम मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।